फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। रेनूज़ रेसिपी एंड लाइफस्टाइल यूके में मैं लेके आई हूँ आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। हो सकता है कि आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, कॉफ़ी मेकर है। और जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम लिया था तो मुझे भी ये यूज़ करना नहीं आता था, और मैंने भी इसका यूट्यूब में वीडियो देखा था। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कॉफ़ी मेकर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर्सनली। अगर आप लोग विंटर के सीज़न में कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप इसको आराम से अपनी गाड़ी में कैरी करके ले जा सकते हो, और इसमें 3 से 4 कप कॉफ़ी आराम से बन जाती है, और इसका यूज़ करना भी इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कॉफ़ी मेकर दिखने में कैसा लगता है। आई होप कि आप लोगों ने तो यूज़ कर रखा होगा, बट जिसने नहीं कर रखा होगा उन लोगों के लिए हो सकता है ये यूज़फुल हो। सबसे पहले हम इसकी केतली पे आते हैं। ये कांच की बनी होती है और ये इस तरह से ओपन हो जाती है, और इसे वॉश करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और उसके बाद हम ऊपर आएंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हल्के से हम प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। खुलने के बाद देखिए, इसमें एक नेट दिया रहता है और इस तरह से पकड़ने के लिए भी दिया रहता है। इसके साथ ही एक स्पून दिया रहता है कॉफ़ी का मेज़रमेंट करने के लिए। उसके बाद हम इसमें कॉफ़ी वगैरह जो भी हमको डालना है, इस तरह से हम फिर इसको लॉक कर सकते हैं और इस तरह को केतली को नीचे लगाएंगे, और उसके बाद हम पलक लगा देंगे, यानी कि इसको स्विच पे लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले इसको ओपन करेंगे और नेट में हम कॉफ़ी डालेंगे। तो मैं 1 कप कॉफ़ी बना रही हूँ तो उसके हिसाब से मैं कॉफ़ी डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो शुगर को बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको लॉक कर लेंगे और ऊपर से ये ढक्कन खोलेंगे। हमने जो मिल्क ले रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। धीरे धीरे करके हम सारा मिल्क ऐड कर देंगे, जितने भी कप आपको कॉफ़ी बनाना है। तो फ्रेंड्स, मैं 1 कप बना रही हूँ तो ये देखिए, ये मिल्क यहाँ आ गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। उसके बाद हम नीचे केतली लगा लेंगे, और स्विच को ऑन करने के बाद ये हम नीचे उसका जो एक छोटा सा स्विच दे रखा है उसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद उस पर लाइट जल जाएगी और कॉफ़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, इस तरह से हम इसको ऑन करेंगे तो इस पर लाइट जलेगी और कॉफ़ी बन के यहाँ से केतली में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि कॉफ़ी बन रही है और केतली में आने लगी है। बहुत ही ज़्यादा इजी होता है फ्रेंड्स इसमें कॉफ़ी बनाना, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। मैं तो इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊं आपको मिल पाए। और अब हम कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है, और ये देखिए, जो भी डस्ट होता है वो नेट में रह जाता है, हमको कॉफ़ी को छानने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम स्विच को ऑन कर देंगे और ये देखिए, कॉफ़ी बन के एकदम रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम फ्रेश कॉफ़ी बन के रेडी हो गई है। इसी तरह से हम बाहर भी अगर कभी जाए तो आराम से फ्रेश कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, टेस्टी कॉफ़ी बन के एकदम रेडी हो गई है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स, प्लीज़ बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और चलिए फ्रेंड्स, आप भी पी लीजिए कॉफ़ी। आई होप कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल रहा हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय माय ऑल फ्रेंड्स।